बीच है MNS न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 6 से अधिक झुलसे। कानपुर के जाजमऊ में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां अगरबत्ती फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड से घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। घटना में 6 से अधिक लोग झुलस गए, सभी को अस्पताल भेजा गया है। झुलसे लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना चेकरी थाना क्षेत्र की जाजमऊ इलाके की है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र खोलने पर 15 मई को फैसला लेगा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच पड़ोसी देश 15 मई को भारतीय यात्री विमानों को दोबारा अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देने पर विचार करेगा। एक वरिष्ठ नागरिक उड्डयन अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक हवाई क्षेत्र बंद कराने के कारण पाकिस्तान की सरकार एयरलाइंस को भी पैमाने पर घाटे का सामना करना पड़ रहा है और उसकी तरफ से लगातार इस पर फैसला लेने का दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। रविवार को पाकिस्तान के नागरिक प्रवक्ता मुजत्तबा बेग ने कहा, पाकिस्तान सरकार 15 मई को यह समीक्षा करेगी कि भारतीय विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में घुसने पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए या नहीं। बेग के मुताबिक इस बैठक में मुद्दे से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और मंत्री भाग लेंगे। बालाकोट में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की तरफ से आतंकी शिविर पर एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने अपने एयर स्पेस को बाहरी विमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद 27 फरवरी को इस्लामाबाद ने नई दिल्ली, बैंकॉक और कुआलालंपुर जाने वाले विमान को छोड़कर अन्य सभी फ्लाइट्स के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया था। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।